दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। पर मैं आशा रानी आज शुगर वाले पाइप पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर के कारण मांसपेशियों में वह जोड़ों में दर्द के लिए ज़बरदस्त उपाय लेकर आई हूँ। अक्सर शुगर वालों को मांसपेशियों में वह जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द कैल्शियम की कमी से होता है। इसी दर्द के लिए ज़बरदस्त घरेलू उपाय लेकर आई हूँ, जिससे मांसपेशियों का दर्द वह जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम होगा। आपको यह उपाय कैसे करना है और इसका कैसे सेवन करना है, यह बताने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। यह ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आइए जानते हैं मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू उपाय, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए यह जान लेते हैं। यह देखिए 100 ग्राम अखरोट गिरी, 50 ग्राम भुने हुए चने जो बिना छिलके वाले, 50 ग्राम बादाम की गिरी। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि अखरोट और बादाम गिरी में कुदरती मिठास होती है, जो शुगर वालों को बिल्कुल नुकसान नहीं देती, अगर इसका सही मात्रा में सेवन किया जाए तो, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। आइए अब इसका पाउडर बनाते हैं और इसका कैसे सेवन करना यह भी बताऊँगी। अब ये देखिए एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें सारी चीज़ें डाल लेते हैं। ये देखिए चने, अखरोट गिरी और ये बादाम गिरी। अब इनका हम पाउडर बनाते हैं। अब ये देखिए मिक्सी और लेते हैं। अब ये देखिए हमारा पाउडर बिल्कुल तैयार है। आप यह पाउडर तैयार करके किसी भी कंच के जार में रख सकते हैं। अब बात आती है इसके सेवन की। इसके लिए हम एक गिलास दूध लेंगे। ये देखिए एक गिलास दूध हमने गर्म करके रखा है। इसके मलाई उतार कर, कम से कम भी दो बार मलाई उतरी होनी चाहिए। अब इसका एक चम्मच, ये देखिए एक बड़ा चम्मच गुनगुने दूध में मिलाते हैं। अब इसका रात को सोते समय सेवन करें, इससे आपको मांसपेशियों व जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। परंतु ध्यान रहे, पाउडर बनाते समय मात्रा उतनी ही लें जितनी हमने बताई है, मात्रा कम ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय माता दोस्तों।